तो किसी भी रॉयल इनफील्ड की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्लोका ऑटोटेक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आज अपन जो राइड करने वाले हैं, इसकी नहीं, इसकी तो मैं कर चुका हूँ, इसकी बाकी चल रही, इसका लेंगे आज। जो सामने आपके कलर खड़ा है उसका नाम है रिबेल ब्लैक। तो बाइक कुछ इस तरह से, इसका मैंने रिव्यू बनाया हुआ है स्पेक के बारे में, तो आप ऊपर देख लिए, आई बटन में लिंक देख लेना, मैंने सारे कलर के ज़्यादातर बना दिए हैं। तो भी आप कहेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा, रास्ते में चलते चलते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाइक कुछ इस तरह से है, इसमें ये जो एसएसएच के तौर पे जो आप देख रहे हैं वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको आगे का विंडशील्ड, ये वाला। और इंडिकेटर जो है ये सारे आपको एसएसएच के तौर पर है। और ये मडगार्ड वगैरह, ये मडगार्ड हमेशा गलत हो जाता है, समगार्ड लगा हुआ है जो भी एसएसएच के तौर पर है, ठीक है। बाकी बाइक कुछ इस तरह से है और शानदार बाइक है। अब इसके ऊपर बैठ के बता देता हूँ, मेरी हाइट 5'11" है, इस पर आप 5'5" वाले बंदे भी आराम से इसको चला सकेंगे। बाजार में जो मैं देखता हूँ उस हिसाब से सारा कुछ चला सक रहे हैं। तो बाइक के ऊपर बैठ गया हूँ। अब मैं, यार देखो, कैमरा मेरे पास अकेला है, मैं अकेला शूटिंग करने वाला हूँ, वन मैन आर्मी हूँ, तो इसलिए क्या है कि अभी मेरे पास कोई वो असिस्टेंट रखा हुआ नहीं है। तो मेरे पांव इस तरह से हो रहे हैं टच दोनों तरफ, तो इस तरह से आप देख लीजिए। इसको करते हैं ऑन, और इसको ऑन करने के लिए साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम भी दिया गया है। इसमें साइड स्टैंड लगा होने के बाद आप इसमें ऑन तो हो जाएगी, पर गियर डालते ही बंद हो जाएगी। मीटर कंसोल में आपको सारा कुछ आपको दिखा देगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर, टाइम आपको यहाँ दिया गया है, ट्रिप है, ट्रिप भी सारा इसमें दिखा दिया गया है, और हेजार्ड भी इसमें दिया गया है। हेजार्ड को हमेशा बंद ही रखे, कहीं बाइक खराब हो या कुछ ऐसा कुछ हो जाए तब आप हजार्ड ऑन करें, ठीक है। ये फ्यूल गेज आपको यहाँ दिखा रहा है, गियर अभी मैंने कुछ है नहीं, तो इसमें गियर पोजीशन अभी आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो बैटरी वगैरह ये सब इंडिकेटर आपको यहाँ दिख जाएंगे नीचे की तरफ। चाबी की बात करें, चाबी कुछ इस तरह से है, वेव की दी गई है, इतनी बार ये बाइक जल चुकी है तो देख लो बाइक अभी तक चाबी वैसी की वैसी है। वेव की का फायदा ये रहता। अब इसको करते हैं ऑन। ऑन करने के लिए आपको वही स्विच वगैरह, क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो ये पूरा थोड़ी सी बाइक पुरानी भी हो गई है, तो देख लो स्विच पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। और यहाँ पर ये आपको रोटेट वाला स्विच दी गई है, हाई बीम, लो बीम और पासिंग का स्विच कंबाइन में हो रही है। मीटर को सेट करने के लिए आपको बटन यहाँ पर दिया गया है, और ये चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर दिया गया है, और इधर आपको ये ब्रेक लीवर वगैरह, ये सारा कुछ हेवी मटेरियल को यूज किए करके ही रॉयल इनफील्ड बाइक बनाती है, इसलिए पैसा भी उसी हिसाब से, और पैसा भी ज्यादा नहीं है। इसकी रेट भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको करते हैं राइडिंग रिव्यू करते हैं इसका। तो इसको करते हैं ऑन, और कुछ इस तरह से सिंगल टच में ऑन हो जाएगी, और कुछ इस तरह से इसका साउंड है, और थोड़ी सी पोजीशन इसकी इस तरह से है, तो ये स्पोर्ट्स बाइक का फील भी आपको करा देगी। चलिए चलते चलते ही बात करते हैं, यहाँ खड़े खड़े बात करने से मज़ा नहीं आएगा। और बाइक जैसे दूसरी रॉयल इनफील्ड बाइक से थोड़ा सा इसका पिकअप ज़्यादा है, क्योंकि इसका वजन भी थोड़ा सा कम है। तो अपन चल रहे हैं अभी इधर की तरफ, और कुछ इस तरह से फर्स्ट गियर में, और बाइक ये इस तरह से उड़ेगी, और इसमें ड्यूल चैनल ABS आएगा आपको, तो ब्रेकिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पर लंबी राइड गया हूँ इसी बाइक पे, तब मैं रिव्यू नहीं बनाया था मैंने। और हाँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो रॉयल इनफील्ड की फर्स्ट राइड हम गए थे, तो अपने चैनल पे है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं वो वीडियो भी। उसी में मैं इस पर बैठ के ही गया था। और बाइक कुछ इस तरह से चलती है, बहुत अच्छी है। सेकंड गियर में मैंने डाल रखी है, और इसको आगे थोड़ा सा रेव करते हैं, और अच्छी बाइक है। स्मूथ इंजन है, जे सीरीज वाला इंजन है, 349 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड BS6 OBD2 FI इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP की 6100 RPM पर, और 27 Nm का टॉर्क 4000 RPM पर, तो लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। तो बाइक आप किसी भी गियर में चलाओगे बाइक बंद, मतलब ऐसे नहीं है, धक्के वगैरह नहीं खाएगी, और आराम से भी चला सक रहे हो। सेकंड गियर में मैं अभी चल ही रहा हूँ, तो सेकंड से थर्ड में आ जाना था कि बाइक का माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाए। और माइलेज की बात निकली है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको 120 पे हमने, मतलब 120 के समथिंग चली थी, पर हम दो सवारी थे इसलिए 120 जा नहीं पहुँच नहीं पा रही थी। वजन भी फर्क पड़ता है, दो सवारी अगर सिंगल सवारी होती थी 120 पार भी हो सकती थी। हम उस दिन 115-117 तक ले गए थे, ठीक है। और इस तरह से आप थर्ड गियर में भी आराम से रेस दे रहे हैं, तो ये भाग रही है दूसरी बाइक रॉयल इनफील्ड की तरह, जैसे इसमें वजन कम होने की वजह से एकदम ये आपको फील कराएगी कि हाँ कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी है, हैंडल काफ़ी चौड़ा दिया गया है, तो आप इससे क्या है कि आपको टर्न वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17 इंच के एलॉय व्हील दे रखे हैं इसमें आपको, इसमें एक स्पोक व्हील वाला भी आता है जो इसके लो वेरियंट में आता है,
तो उसका भी कभी मिलती कम है, वो बाइक क्या है सब ज़्यादातर अब स्पोक व्हील की तरफ नहीं जाते और इस बाइक की तरफ ही आते हैं, तो इस वजह से उसका वीडियो थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, और साइड मिरर कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छा है। अभी ये चौथे गियर में चल रही है, देखो मैं आराम से चल रहा हूँ, पाँचों भी डाल ही देता हूँ तो भी आराम से चलती रहेगी, कोई धक्के वगैरह नहीं खाएगी, क्योंकि लॉन्ग आराम से चल रहा है और इंजन में भी कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आ रहा है। जैसे जैसे मैं रेस दूंगा, हाँ इसमें थोड़ा जैसे पावर कम है, मतलब रॉयल इनफील्ड में 20 bhp की पावर मिलती है, टॉर्क अच्छा मिल जाता है, तो थोड़ा सा इसको जब आप उठाओगे तो थोड़ा सा आपको यूँ नहीं है इसको, मतलब एक तो पावर ज़्यादा होती है तो एकदम से इंजन भगता है। ये आराम से चलने वाली बाइक है, तब भगने वाली हो और वो आप चाहते हो कि स्पोर्ट्स बाइक वाली जो पूरी फीलिंग आए तो वो नहीं आएगी। ये आपको लॉन्ग टूर पे निकलने के लिए अच्छी बाइक है, और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ वो सीट बहुत काफ़ी कंफर्ट है, और रॉयल इनफील्ड जाना ही अपनी सीट के लिए जाना है, मतलब आरामदायक सीट के लिए भी जाना जाता है। अभी ये थोड़ा सा धक्का खाने लगी क्योंकि स्पीड भी है 40 से ऊपर होगी तो 5 स्पीड, बाकी चौथे में चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यह मैं आराम से चला रहा हूँ तो इको पे चल रही है जो मैंने अभी 40 की मेंटेन कर रखी है, तो इस पे माइलेज आपको ये 40 प्लस दे देगी। ये आपके चलाने के ऊपर है, मैं पहले कह रहा हूँ, बाकी 35 और 30 तो आप मान के चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको मिल जाएगा। अभी अपन थोड़ा सा उतार चढ़ाव दोनों करके आ गए हैं, और थोड़ा सा एक बार वो आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी घाटी वगैरह पे ले जाके, और बाकी साउंड वगैरह इसका ऑल रॉयल इनफील्ड की सारी बाइक से इसका साउंड थोड़ा अलग ही है, क्योंकि इसका एक साइलेंसर वगैरह, देखो मैं आपको इसका एग्जॉस्ट भी बता ही देता हूँ, इसको यह रोक देते हूँ, देखो गियर में है तो फर्स्ट गियर में थी और मैंने स्टैंड लगाया था बंद हो गई। ठीक है, अब इसको करते हैं न्यूट्रल में, और गियर लीवर ये छोटा वाला दिया है, बाकी मैं रॉयल इनफील्ड में पीछे वाला दोनों वो पूरा बड़ा आता है जो आपने स्प्लेंडर में ही उसी टाइप के आता है उसी टाइप के दिए हैं, और फुटबैक्स वगैरह सब सारे अच्छे दिए हैं, और इधर का जो ये आपको ब्रेक लीवर दिया पीछे का ये बहुत ही अलग ही, मतलब दे रखा है हिमालयन से उठाया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब फीलिंग बहुत इस बाइक की बहुत अच्छी आती है पीछे से लुक कुछ इस तरह से, ये अलग ही एक रॉयल इनफील्ड की पूरी एक स्पोर्ट्स बाइक ही है समझ लो। और मैं एग्जॉस्ट की बात कर रहा था, एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से, पीछे 270 mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है बाइबरी के कैलिपर दे रखे हैं, आगे 300 mm का डिस्क ब्रेक है बाइबरी के कैलिपर दे रखे हैं, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं। हेडलाइट वगैरह ये आपको बल्ब भी मिलेगी रॉयल इनफील्ड में, अभी तक LED खाली क्या कहते हैं उसमें आया है सुपर मीट्योर में, तो इस तरह से इस पर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग और पार्किंग लाइट यहाँ आपको मिल जाएगी। और इंडिकेटर मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज के तौर पे ये LED लगा रखे हैं, तो LED आपको इंडिकेटर भी आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से आपको LED इंडिकेटर मिल जाएंगे। पीछे हंटर आपको यहाँ बीच में लिखा हुआ है, और मैं जो एग्जॉस्ट की बात कर रहा था, ये एग्जॉस्ट देखिए सारी रॉयल इनफील्ड से अलग है, ये एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो टायर साइज पीछे की प्रोफाइल बता देता हूँ, टायर आपको पीछे मिलेगा 140/70/17 के टायर दे रखे पीछे वाले, और आगे के टायर देखिए बात करूं, आगे के टायर साइज की 110/70/17 के टायर दे रखे हैं, तो बहुत ही प्यारे और 17 इंच के एलॉय व्हील है। यहाँ पर भी आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाएगी, यहाँ पर पीला कलर मिल जाएगा, ये सारे एक्सेसरीज हैं, इसको साथ में मत समझना। सीट काफ़ी अच्छी है, सिंगल सीट ये आप जो राइडर के लिए बहुत ही अच्छी सीट दे रखी है, पिलियन के लिए भी जगह है, बाकी बाइक से तो इसमें काफ़ी जगह है, और पिलियन के लिए भी जो अच्छी जगह है, मैं तो यहाँ पर इस पर राइड करके आया हूँ, मेरे को पता है। हिजार्ड बंद करते हैं, इसको ऑन करते हैं, वापस से ही स्टैंड हटा देते हैं, और इसको करते हैं वापस से फर्स्ट गियर में, और यूँ ब्रेक वगैरह पे जो आपको ब्रेक दिया है वो लीवर वो बहुत ही अच्छा दे रखा है, इससे क्या है आपके पांव स्लिप नहीं करेंगे। और देखिए गड्ढों वगैरह में से निकाल रहा हूँ तो इसमें आपको आरामदायक सोकर मिलते हैं, मतलब सस्पेंशन बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भागने में तो बाइक ये देख लीजिए, अगर लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हो तो ये भागेगी अच्छा, ये देखिए। और हैंडलिंग वगैरह में बहुत अच्छी है, मैं पीछे एक मिनट देख लेता हूँ, और ये ब्रेकिंग आराम से ब्रेकिंग भी, और ABS अच्छे से वर्क करता है। अपन थोड़ा अंदर की तरफ चल के आते हैं, वहाँ ब्रेकिंग अच्छी आपको देखा जाएगा, बाकी यहाँ से पीछे आके कोई मेरे को ठोक जाएगा। और जैसे ये देखिए थर्ड गियर है, मैं अभी ये देखो थोड़ी सी चढ़ी आ रही है, सेकंड गियर है सॉरी, और ये देखिए आराम से मैं इसमें और थोड़ा सा फोर्थ गियर में ले लिया है, देखो अब मैं आराम से इसमें गैस दे रहा हूँ, तो ये टॉर्क जो लो एंड टॉर्क है ये देखिए इस तरह से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम वर्क कर रहा है, यहाँ कोई घबरी वगैरह हो चल रही है। बाकी पावर वगैरह की आपको कहीं कमी नहीं पड़ेगी, बहुत ही शानदार पावर है इस बाइक में, क्योंकि यार जो इंजन है वो रिलायबल इंजन है, रॉयल इनफील्ड का नाम है, इसीलिए तो ये बाइक आराम से बिक रही है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली अभी ये बाइक होगी, जब से ये लॉन्च हुई है तब से तो इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी अपन इधर से निकल जाते हैं शॉर्ट होके, तो आपको गड्ढे वगैरह से सबके सारा सब कुछ दिखा दूंगा इसमें। ये देखिए अपन अब आगे हैं, मतलब इंडियन मेन टिपिकल इंडियन सड़कों पे है, तो ये गड्ढे वगैरह हैं इसमें, बैरियर वगैरह भी आएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे एक बार किस तरह से इसकी हैंडलिंग वगैरह है। और ये
बहुत ही अच्छा, वो आ गया बैरियर। ये वाले बैरियर सबसे ख़राब लगते हैं, ये वाले। तो इसके ऊपर से निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कितनी शानदार है इसकी जो कुशनिंग वाली है, सॉरी ये सस्पेंशन, ये बहुत अच्छा है। कुशनिंग आ गया मेरे मुँह से, ये कुशनिंग जैसे ही सस्पेंशन दे रखे हैं, मतलब आपको फील नहीं कराती इतने झटके वगैरह, क्योंकि देखो एक तो इसका वजन भी है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा फर्क पड़ता ही है। इन वाले बैरियर पे अच्छा पता पड़ जाता है कि हाँ ये इसकी सस्पेंशन कैसा होगा, और जब आप इसके लेकर निकलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है हाँ कोई अलग से बाइक आ रही है, क्योंकि इसका साउंड रॉयल इनफील्ड से मैच करता ही नहीं है, मतलब अलग ही एक स्पोर्ट्स बाइक टाइप का इसका साउंड है। ये देखिए, हाँ भैया ये देखिए, मैंने अभी ये जो पूरा कच्ची टाइप ये खुदी हुई सड़क है उस पर मैंने अभी ब्रेक लगाया था, दोनों ब्रेक अप्लाई किए थे, तो ABS पूरा अच्छे से वर्क करा और गाड़ी एकदम कंट्रोल में आ रही है, यूँ नहीं है कि स्लिप कर रही है या कहीं, मतलब एकदम से लॉक नहीं हो रहा था। तो इस पर यह सबसे अच्छा वर्क किया गया है, मैंने ये कह रहा हूँ ना, इसमें बहुत लंबी राइड की थी तमने, हमने बहुत अच्छी भले अच्छी खासी स्पीड पर भी ब्रेक लगाए थे। और हाँ, इस बाइक को परचेस करने के लिए आपको 40,000 रुपये चाहिए डाउन पेमेंट और 4,000 रुपये आपकी किस्त आ जाएगी। और इसके अलग अलग वेरिएंट है, तो जिस हिसाब से टॉप वेरिएंट लेने जाओगे तो पैसे थोड़ा सा बड़ा लेना, या फिर डाउन पेमेंट वही रहेगा, सिविल आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आपको यह बाइक मिल जाएगी। तो 40,000 रुपये डाउन पेमेंट आप लेके आ सकते हो, और आप किसी बाइक को एक्सचेंज भी कराना हो तो रॉयल इनफील्ड पे लेके आ जाना, कोई भी बाइक हो ये एक्सचेंज करा के आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये जानकारी आपको दे दी है, अब इसकी आपको ऑन रोड कीमत और ये सब मैं आपको शोरूम पे जाके दिखा देता हूँ। तो अभी जो बाइक चला के आया है रेबल ब्लैक, उसकी कीमत है, एक शोरूम कीमत बता रहा हूँ, ये लो 1,73,155 रुपये राजस्थान में, और ऑन रोड कीमत है 2,11,557 रुपये, इसमें कोई एसेसरीज वगैरह नहीं है। ठीक है, और बताया ना मैंने आपको 40,000 रुपये लेके आ जाना, या कोई बाइक हो तो एक्सचेंज भी हो जाएगी, एक्सचेंज भी आप करवा सकते हैं, और आके लेके मतलब जिस बाइक पे आएंगे रॉयल इनफील्ड पे बैठ के जाएंगे। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ किसी भी रॉयल इनफील्ड की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्लोका ऑटो टेक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।